बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें किसके किसके थ्रू फॉर्म कर लेते बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन कौन से मेथड हो गए थे कंप्लीट? बाय प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड बाय एसिड डेरिवेटिव्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, थर्ड में क्या देखे थे बच्चे लोग? बाय अल्कोहल प्राइमरी का बाय एसिड डेरिवेटिव्स, थर्ड में क्या देखे थे बच्चा? हेलो बेटा, कल क्लास हुआ था कि नहीं हुआ था केमिस्ट्री का बच्चा लोग? कौन से सब में हो यार आज? चलो फिर एक का नाम लेके पूछना पड़ेगा। तो लास्ट से स्टार्ट करते, जो नाम नहीं बताया वो क्लास के बाहर। बताओ बेटा सात्विक कल क्या क्या पढ़े थे? नितिन का तो माइक ही नहीं कनेक्ट है, लास्ट में माइक से कनेक्ट है। हाँ यस यस सोराडे बेटा यस, जो नहीं बताएगा वो क्लास से बाहर जाएगा बेटा। तो यस बालक क्लास से बाहर भेजना पड़ रहा है तुमको, वेटिंग रूम में वेट करो। हाँ यस सेकेंड यस बताओ बेटा कल क्या क्या डिस्कस किया क्लास में? हेलो बेटा क्या क्या क्लास में डिस्कस किया बेटा? बाहर वेदांशो बेटा वेदांशो क्या क्या डिस्कस किया बेटा? बेटा वेदांशु कहाँ गया? क्लास के बाहर चल गया क्या खुद? सर क्लास में वैष्णवी बेटा क्लास के बाहर चल गया। जो आंसर नहीं बताएगा बेटा कुछ पूछा जा रहा है वो क्लास के बाहर जाएगा आज बता दे रहे हैं। वैष्णवी कुछ देर के बाद क्लास में लिया जाएगा बेटा। बेटा जो जो स्टूडेंट आंसर नहीं बताएंगे उनको हम क्लास के बाहर भेज देंगे, फिर 10-15 मिनट के बाद क्लास में लेंगे बेटा। तो जिससे पूछा जा रहा है वो बता दे आंसर। तो बेटा वेदांशु कल क्या पढ़े बताओ जल्दी, क्लास के बाहर भेज देंगे नहीं तो फिर। सॉरी बच्चा
क्लास के बाहर वेट करो आप। यस ऐसे तो टाइम लग जाएगा बेटा, चलो आज टाइम पास ही करते हैं क्लास में और क्या, हम भी तो पता चले कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तेज बताओ बच्चा कल क्या क्या पढ़े थे? चलो बच्चा आप भी बाहर। बेटा तनुश्री बेटा तनुश्री क्लास में हो, क्या क्या पढ़े हैं बेटा? ये भी क्लास के बाहर। तनिषा नहीं बोल पा रहे तो बेटा मैसेज कर सकते हो, सर माइक प्रॉब्लम है या सुनाई नहीं दे रहा है या जो भी। बेटा तनिषा मेसराम सुमित तो बेटा अरमान त्रिपुरे, अच्छा इनका तो माइक ही नहीं कनेक्ट है। प्रणव बेटा कल क्या पढ़े थे क्लास में? माइक कैसे डिस्कनेक्ट दिख रहा बेटा? यस जनबंधु बेटा ये तो आंसर ही नहीं बता रहा, वैष्णवी भी आंसर नहीं बता रही। बेटा वैष्णवी कल क्या पढ़े बेटा बताओ, देख के बोलना, उसमें भी सोए हैं पता नहीं कौन अटेंड कर रहा है क्लास। सुमित बेटा सुमित सबको एक एक करके बाहर। श्वेता चलो बेटा तुम भी बाहर, रूम खाली हो जाए देखते हैं। आज दो बंदे को पढ़ाएंगे लेकिन दो ही बंदे को पढ़ाएंगे, वही जो क्लास में बोलेगा बेटा हमारा आंसर देगा। सात्विक बेटा सात्विक सृष्टि बेटा सृष्टि बेटा हमारी आवाज मिल रही कि नहीं मिल रही पहले ये तो बताओ, ऐसा तो नहीं इतना सारे में कोई जवाब ही नहीं देगा। सर मिल रही है आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज कट रही है हमको, कट रही है नहीं सर? सर यहाँ पे तो ठीक है आवाज आपकी, नहीं सर कटेगा सर, आई थिंक सो उसका नेटवर्क इशू होगा। क्या पढ़े बेटा कल के लेक्चर में? बाहर भेज रहे बेटा जल्दी बताओ नहीं तो, नहीं बोल पा रहे तो मैसेज तो कर ही सकते हो। सर बाय डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं बेटा? बोलो सर हाइड्रोलाइसिस। बेटा यूसेल को थोड़ी बोले थे यार बोलने के लिए, जिसको बोला जा रहा है वही बोलेगा ठीक है ना बेटा? ओके सर। तो रवि बालक तुमने आंसर नहीं दिया इसलिए क्लास के बाहर आपकी। सर क्या बोले? तुमने आंसर दिया नहीं इसलिए तुमको भी क्लास के बाहर भेज रहे हैं। सर आपकी आवाज कट रही थी।
आवाज कट रही है अब? सर हमने पहले से बोले था आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, चलो तुमको छोड़ दिया है। पूर्वा ने पहले ही मैसेज कर दिया हमारा नंबर आएगा फॉर्मेशन मेथड और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो पूर्वा बज गई। प्रियांशु मिश्रा, फॉर्मेशन मेथड में कितना मेथड देख लिए बेटा? ये प्रियांशु मिश्रा भी क्लास के बाहर, 15-20 मिनट के बाद क्लास में आएंगे। प्राची, मैसेज के समय नेटवर्क नहीं चल रहा है। अरमान बेटा बोलो, कल का पढ़ लिए बेटा? चलो अरमान का भी क्लास से बाहर भेजने की तैयारी। प्राची, मृगांक मिश्रा जी हमारे, क्या क्या पढ़े बेटा, क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए बेटा हम लोग? ये पढ़ाई हो रहा है इन लोग का, ऑनलाइन को मजाक बना कर रखे हैं। मयंक? यस सर। हाँ बेटा क्लास में हो? यस सर। क्या कुछ बोल रहे थे बेटा? तीन मेथड देखी थी प्रिपरेशन की। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ रहा है बच्चा, इससे पता चल जाता है। बताओ सर। नहीं बेटा रहने दो, अब किसी और से पूछते हैं। रवि तो बाहर भेजे थे ना, रवि को ये क्लास में इंटर कैसे हो गया? मंथन, बेटा मंथन ये भी क्लास से बाहर। मंत्रित सर, पर फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के तीन मेथड देखे थे, फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल था, दूसरा एल्डिहाइड था, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का वाया हाइड्रोलिसिस था। और इंट्रो मॉलिक्यूल रिएक्शन भी देखे। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। कौन मैसेज किया है बेटा? वेदांशु सोनवाने। वेदांशु सोनवाने तो क्लास में आ गया ना बेटा? चलो ठीक है, वेदांशु बता दिया। तो अभी इमेज ब्लर हुआ होगा ना, ठीक है ना बेटा, क्योंकि स्क्रीन बाबा मोबाइल का हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, मतलब व्हाट्सअप खोल रहे थे इसलिए। तो उसके बाद पूछते हैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा। अभिषेक सर, ऊपर से पढ़े हो बेटा? हाँ सर। ठीक है चलो, इतने ही काफी है। अभिषेक यादव, ये तो बच्चा पढ़ता ही है, क्लास में पूछता भी है, भले डाउटी क्यों ना पूछे। अक्षत राम टेके, वो बेटा क्लास में कि नहीं? चलो आज इतने ही, बाकी लोगों को कल देखेंगे। हाँ बेटा बाकी लोगों को कल देखेंगे। क्लास उतनी ही रहेगा, आज अटेंडेंस हम लोग का नहीं लगवाएंगे, टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएगा।
जो लोग आज आंसर नहीं बताए उन लोग का अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे ना, कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। सिंगल दीप सर, सर नोमान बोल रहा है कि आप, चलो नोमान को ले लेते हैं। सिंगल दीप सर आज मैं कुछ बच्चों को बाहर भेजा हूँ, जो लोग क्लास उनको घर में कॉल करवाइएगा और उनसे बोल दीजिएगा इनके पेरेंट्स को, अब मानकापुर स्टाफ को भी बोल रहे हैं ना हम, जो बच्चे आज अब्सेंट हैं उनके पेरेंट्स को बोल दीजिएगा सर, अगर वो बोलेंगे उनके यहाँ कॉल करवाइएगा, अगर बोलते हैं वो कि सर हमको क्लास में नहीं रहे हैं, तो उनको बोलिएगा कि सर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर नहीं दे रहे थे, इसलिए सर को क्लास से बाहर, सर ने उन लोगों को क्लास से आज बाहर रखा है, पढ़ के नहीं आते करके, ठीक है ना सिंगल दीप सर। जितने लोग क्लास में आज उन्हीं का अटेंडेंस लगाइएगा, बाकी लोगों के यहाँ कॉल करवा दीजिएगा, यही मानकापुर स्टाफ के लिए भी ना मैम। अब बोलेंगे बच्चे लोगों के पेरेंट्स कि बच्चे तो क्लास अटेंड कर रहे थे, सर ने ही क्लास से उनको बाहर रखा, तो उनको कह दीजिएगा कि सर ने जानबूझकर बाहर भेजा क्योंकि आंसर नहीं दे रहे थे क्वेश्चन का। उसके बाद ही अभी लोगों को एंटर दिया जाएगा क्लास में। बाकी लोग जो जवाब नहीं दिए हैं सुनती हैं वही बस बाहर है। चलो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें बाय प्राइमरी अल्कोहल ये हो चुका है, सेकेंड बाय कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इनके हाइड्रोलाइसिस से, थर्ड क्या था बेटा बाय एल्डिहाइड से, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, यही था ना बेटा। सेकेंड नोट का बाय RMGX, सेकेंड नोट करना बेटा बाय RMGX, सेकेंड नहीं फोर्थ नंबर का होगा ना बेटा बाय RMGX। तो बेटा बाय RMGX क्या है, रिएक्शन बताओ हमें कैसे होता है। अगर मैं CO2 से रिएक्शन करा दूं तो बन सकता है क्या बेटा, R क्या है आपका निक्लोफाइल, RMGX में R क्या होता है बच्चा लोग निक्लोफाइल, जैसे CH3MgBr अगर हम ले, मीडियम कैसा है बेटा एसिडिक है, तो RMGX का काम क्या होता है बेटा, RMGX खुद में एक अच्छा निक्लोफाइल, निक्लोफाइल किस सेंटर पर अटैक करेगा बेटा, कौन से सेंटर पर अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिलिक, ये निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड से क्या मिलेगा बच्चा लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, मीडियम एसिडिक है बेटा तो H प्लस मिल गया और साथ में Mg वाटर ही ले लेते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले था Br और OH मिल गया बेटा, तो क्लियर है बेटा बाय RMGX। अगर मैं प्रोडक्ट दे रहा बेटा CO2 के साथ ही रिएक्शन है, रिएक्शन किसके साथ है बेटा CO2 के साथ, मीडियम में वाटर ले भी सकते हो एसिड भी ले सकते हो, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है पीएच मतलब बेंजोइक एसिड, तो बेटा RMGX कैसा होगा फिर, कौन सा RMGX लेंगे बेटा बता सकते हो, फिनाइल MGX, क्या बोले बेटा RMGX में आर क्या होगा बताओ जल्दी सर, फिनाइल MGX, हाँ फेनिल C6H5 ना बेटा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। अगर ये है हमारा प्रोडक्ट, रिएक्शन है CO2 के साथ, मीडियम है बेटा H+ HBr, ठीक है ना बेटा,
तब बताओ क्या होगा बेटा आर यहाँ पे आर एमजीएक्स में आर इक्वल टू ए बी सी कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आर एमजीएक्स में आर कौन सा ऑप्शन होगा बेटा बताओ मतलब आर एमजीएक्स की बात कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी में ए इस टाइप का भी क्वेश्चन बना लोगे ना बेटा CH टू एम जी बी आर ये निकलो फाइल इस पर अटैक करेगा एक मिनट एम जी बी आर ऐसा ये इस पर अटैक करेगा इन दोनों और कार्बन के बीच बॉन्ड तो बाय आर एम जी एक्स तो आर एम जी एक्स का मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड CO2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट या सॉल्यूट ठीक है ना बेटा तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्लियर है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मेथड नोट करो जल्दी से इसको फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेटा जितने लोग भी अभी आंसर नहीं दिए थे ग्रुप के बाहर थे उनका अटेंडेंस नहीं लगा है और आज तुम्हारे यहाँ कॉल आएगा बेटा ठीक है ना सर लोगों को बोल दिए तो उस समय होशियारी ना दिखाया कि सर हमको आज क्लास से बाहर रखे थे क्योंकि वो भी बोल दिया गया हमने कह दिया है कि सर इसलिए बाहर रखे हैं क्योंकि सर का क्वेश्चन पूछा सर ने आंसर दे नहीं रहे हैं ठीक है बेटा और कई लोगों को तो फर्क पड़ता ही नहीं है ये सबसे जल्दी से छापो बच्चा लोग हो गया तो ये था केमिकल बोलता हूँ फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल ठीक है बच्चा लोग तो ये डायरेक्ट प्रोसेस था जिससे आप एल्कोहल बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन का डायरेक्ट प्रोसेस था ठीक है ना बेटा जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेटा मैं बेंजोइक एसिड की बात कर लूं केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं बचा है बेटा इस चैप्टर में बस कंप्लीट होने वाला है इसीलिए आज ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ए फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल पता है बेटा बेंजोइक एसिड अब बेटा सी डबल ओ एच कौन सा ग्रुप होता है ये प्लस आर की माइनस आर माइनस आर एंड माइनस एम तो मुझे बता दो बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे ऐड होगा मेटा कहां पे ऐड होगा बेटा हाँ मेटा लोकेशन तो बेटा एस ए आर रिएक्शन का मेकानिज्म मतलब कौन कौन सा रिएक्शन है बेटा मेकानिज्म वाले एस ए आर मेकानिज्म फॉलो करने वाले सबसे पहले नाइट्रेशन सल्फोनेशन सल्फोनेशन के बाद क्या है बेटा
नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन उसके बाद सर बोरिनेशन हाँ ब्रोमिनेशन इसी में आ जाएगा क्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन ठीक है चलो बताइए इतने को कंप्लीट करो जल्दी से बताओ बेटा प्रोडक्ट ये याद रखने वाला चीज है जल्दी से रिएक्शन को कंप्लीट करो बेटा नोट कर लिया बच्चा लो तो फर्स्ट में क्या बना बेटा प्रोडक्ट हेलो बच्चा लोग फर्स्ट में क्या प्रोडक्ट बना बेटा आज आवाज नहीं मिल रही क्या हमारे सबको ठीक ठाक आवाज सुनाई दे रहा है ना बेटा कट कट के आ रहा है तो फर्स्ट में क्या बना होगा बेटा नाइट्रेशन में NO2 ऐड हुआ होगा कौन से लोकेशन पे बेटा सर मेटा पे मेटा पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड SO3H कहाँ ऐड हुआ होगा बेटा मेटा पे तो सल्फोनिक मेटा सल्फोनिक सल्फो होगा सल्फो बेंजोइक एसिड हैलोजिनेशन में X हैलोजन मेटा पर प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन जो है वो मेटा पर आर एक्स लेंगे तब क्लियर है बेटा तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ए फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है बेटा
फॉर आर्स फॉर आर्स सी ओ एच इसके अंदर फर्स्ट एस्टिफिकेशन क्या होता है बेटा एस्टिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है बेटा एल्कोहल एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एस्टिफिकेशन डी कार्बोक्सिलेशन कोल्बे स्मिट इलेक्ट्रोलाइसिस याद आ रहा है ना बेटा फोर्थ डिहाइड्रेशन तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ठीक है ना बेटा ये एसिड कैटालाइज होता है और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा एस्टर एस्टर का फॉर्मेशन तो क्या होगा बेटा आर सी ओ आर डेस ठीक है बेटा और साथ में क्या बनता है वाटर अब डी कार्बोक्सिलेशन में कौन से रिएजेंट यूज होता है बेटा बहुत दिन के बाद ये रिएजेंट यूज हो रहा है बेटा ये डी कार्बोक्सिलेशन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है बेटा एस से नेम आता था उसका कुछ सोडियम आयोड सोडियम आयोड कुछ और है सोडियम सोडा से है ये वर्ड मिलता जुलता सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा CO2 बन के ये बाहर हो जाता है आर सी एस टू एच और ये CO2 बन के बाहर ठीक है बेटा कोल्बे स्मिट इलेक्ट्रोलाइसिस में किसका साथ रिएक्शन होता है बेटा सोडियम सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे बेटा तो क्या प्रोडक्ट मिलता है बच्चा लोग सी डबल ओ CO2 के फॉर्म में बाहर यहाँ का R यहाँ का H आर एच ये सॉरी आर एच बोल रहा हूँ यहाँ टू टाइम्स यूज होता है ना बेटा ये भी टू टाइम्स तो यहाँ का CO2 यहाँ का R और R आपस में टू आर CO2 टू टाइम्स बनता है याद आ रहा है बेटा कुछ Na और यहाँ का OH NaOH टू टाइम्स और प्लस H2 यही था ना बेटा रिएक्शन यस सर डिहाइड्रेशन में तो जब एसिटिक एसिड को हीट किया जाएगा बेटा तो किसका फॉर्मेशन होगा जब इसको हीट किया जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा और क्या फॉर्म होता है बच्चा लोग आर सी ओ यहां से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा वाटर CO R डैश एसिड एनहाइड्राइड नाम ही क्या है बेटा उसका एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिड से क्या रिमूव हो चुका है वाटर ये सब रिएक्शन बहुत पहले देख चुके हैं ना बेटा एस्टिफिकेशन डी कार्बोक्सिलेशन कोल्बे स्मिट इलेक्ट्रोलाइसिस डिहाइड्रेशन तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा
डन सर कर लिया बेटा सब कोई नोट अच्छा डिहाइड्रेशन के लिए रिएजेंट नोट कर लेना बेटा डिहाइड्रेशन हिट किया किसके प्रेजेंस में जनरली फास्फोरस ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब यूज होता है ना बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा हम रब कर देंगे नहीं तो बताओ ना बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड फास्फोरस ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं कहा था ना जी हमने कहा था कि नहीं बेटा हाँ सर यस सर स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें बच्चा लोग यस सर थर्ड फोर्थ सर ये लेसन आज ही खत्म हो जाएगा ना हाँ बेटा बुक के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा नेम रिएक्शन इम्पॉर्टेंट उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा वो कल होगा मतलब कल ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये था फिफ्थ रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 अमोनिया के साथ हीट करो तो क्या होगा बेटा यहाँ से वाटर बन के बाहर क्या मिलेगा बेटा CH3CO NH2 ठीक है ना बेटा प्लस वाटर एक्चुअल में होता क्या बेटा CH3COOH NH2 ये लोन पेयर है बेटा इसके पास और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बेटा CH3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज NH2 अब लोन पेयर देख के अटैक किया तो नाइट्रोजन पे कौन सा आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज ठीक है और यहाँ पे बेटा OH अब क्या होगा बेटा ये डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर क्या मिलेगा CH3 C double bond O NH2 नाइट्रोजन पे अब भी कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन को क्या कर देगा जी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करवा लेगा उससे क्या होगा बेटा ये NH2 तो याद रखना बेटा ट्रिक जब भी अमोनिया के साथ हिट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा एमाइड तो ताबजली कैसे रिएक्ट विथ अमोनिया क्या करेगा फॉर्मेशन ऑफ एमाइड ठीक है बच्चा लोग नोट करो इसको फिफ्थ वाले रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ एमाइड
डन सर हो गया बेटा अच्छा अल्कोहल का रिएक्शन जब PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ होता था तब क्या होता था बेटा हैलाइड बनता था लाइट हैलाइड बस अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है बेटा OH क्या कार्बोक्सिलिक में भी OH ग्रुप है हाँ सर तो सेम यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का प्रोडक्ट बनेगा R CO OH ग्रुप तो SOCl2 PCl3 PCl5 इनका काम क्या होता है बेटा इस OH को किस में चेंज कर देते हैं बेटा एसिड हैलाइड मतलब हैलाइड में Cl यही मिलेगा बेटा साथ में यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या होता था बेटा SO2 यहाँ का और HCl इसमें क्या बनता था बेटा H3PO4 PO4 की 3 बनता था बेटा H3PO3 ना OH अटैक करता था Cl इस पे अटैक करता था ये बाहर इस पे अटैक करता था ये बाहर इस पे H3PO3 और इसमें क्या बनता था बेटा इस पे ये अटैक करता था OH Cl बाहर POCl3 हाँ PCl3 और साथ में HCl ना साथ में क्या बनता था बेटा HCl एक अंदर था एक बाहर होता था HCl ठीक है साइड प्रोडक्ट ये था ठीक है बेटा नोट कर लो रिडक्शन रिएक्शन से क्या होता है बेटा रिडक्शन अल्कोहल बोलते हैं क्या हम बता ही दिए आंसर तो तो रिडक्शन से क्या बनता है बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा LH के साथ रिएक्शन और बेस्ट BH3 दोनों में बेस्ट कौन है बेटा बी से BH3 बी से बेस्ट दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा जी RCH2OH RCH2OH यही होगा बेटा छापो बच्चा लोग जल्दी बस छापने ही बचा है बेटा आज हो गया सर हाँ बेटा बोलो सर यहाँ पे PLCl PLCl3 जो डॉर्स प्रोसेस है वो सर सेम ही रहेंगे ना इसमें मतलब रिएक्शन रिएक्शन हाँ बेटा ओके सर ठीक है बच्चा लो सर अमोनिया के केस में एक और रिएक्शन छूट गया बेटा ये 3 टाइम्स ना इसका एक बार दुपट मैकेनिज्म क्या था OR था OH अटैक करता था R OH PCl5 पे तो ये Cl निकल गया Cl उसके बाद
UCL3 R CO ये था क्लोराइड, तो होता क्या था, यहाँ टिक किया डबल बॉन्ड और ये यहाँ, ठीक है UCL3 ये हो गया बेटा, नोट कर लिया, रब कर रहा ना? यस सर। हाँ बेटा सर, यहाँ पे थ्राइस क्यों लिखे आपने? बेटा वो तीन बार अटैक करेगा ना ये, इससे तीनों सीएल निकलेगा बाहर मैकेनिज्म के थ्रू, हमको मैकेनिज्म पता है, शायद बताए भी हैं तुम लोग को मैकेनिज्म, इसमें थ्री टाइम्स सी अटैक करता है, ठीक है ना? ओके सर। ये भी थ्री टाइम्स होगा, ठीक है बेटा, रब कर दूं? अब एक नेम रिएक्शन है एच वी जेड 6 7 8 नंबर का ना, अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से कंप्लीट, हेल वोल हार्ड, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, देखना तो जेलिन स्काई है ना, जेलिन की रिएक्शन कुछ ऐसे ही बेटा, स्पेलिंग चेक कर लेना ना, शायद मिस्टेक हो सकता है, हेल वोल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं है इसमें, एच बी जे रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोजिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोजिलिक एसिड रिएक्ट विथ हैलोजन, रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस and formed alpha halo, alpha halo carboxylic acid in the acidic medium. So R CH2 COOH, तो ये बेटा अल्फा कार्बन हुआ, तो इस पर हाइड्रोजन भी, कौन सा हाइड्रोजन होंगे जी, अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन डायलोजन विथ रेड फॉस्फोरस मीडियम एसिडिक, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे R CH, एक हाइड्रोजन के जगह पे वहां पर जगह हैलोजन और साथ में HX, तो इसी को बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल वोलहार्ड जेलिन्स्की रिएक्शन, ठीक है ना, जेलिन के बाद स्काई, एच वी जेड रिएक्शन, तो बोर्ड में इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना बेटा, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट ना, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसका इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब मैंने पढ़ा भी दिया, ऑर्डर भी नोट करवाया था बेटा, याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू का ऑर्डर नोट करवाया था इस टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी के, इसको याद रखना बेटा, एक एमाइड में एक रिएक्शन छूट गया था वो याद रखना, इम्पोर्टेंट कंपाउंड है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड वाले के पास जगह होगा तो ये रिएक्शन नोट कर लेना, फॉर्मेशन मेथड और सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन विद अमोनिया था जिसमें एमाइड फॉर्म होता था, क्या होगा बेटा वाटर यहाँ से बाहर होगा और क्या मिलेगा इसे, सर ये रिएक्शन किसके अंदर आ रहा,
ये बेटा रिएक्शन विथ अमोनिया है ना, उसके अंदर है रिएक्शन विथ अमोनिया। ये थोड़ा सा फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ये साइलेंट रहता है और इसको बोलते हैं थैलामाइड, थैलीमाइड मतलब थैलीमाइड, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले चैप्टर मतलब अमोनिया अमोनिया बोलता अमीन वाले चैप्टर में ये यूज होता है। तो ये थैलिक एसिड प्लस NH2, तो एसिड और NH2 सॉरी NH3 मिलकर एमाइड बनाते हैं, तो इसे थैलिक एसिड है तो इससे बना एमाइड थैलेमाइड। तो याद रखना बेटा, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर कंप्लीट होता है ना बेटा। अब चार पांच नेम रिएक्शन है एक्स्ट्रा इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। बस एल्डो और केनिजारो में ही टाइम लगता है बेटा, ठीक है ना। उसमें सिलेक्टिविटी है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन सा कंडीशन उसको स्टेबल करेगा, ये सब के कारण, ठीक है बच्चा। चलो बाय सभी को, कल एक्स्ट्रा इसके चैप्टर में पढ़ के इस चैप्टर को भी कंप्लीट। बाय सर। बाय बच्चा लोग।